वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम करने वाले जोमैटो। तो जैसे देख सकते हैं हमें जोमैटो की टी शर्ट में, और आज है संडे, तो आज मैं चेक करने वाला हूँ कि जोमैटो में काम ठीक ठाक होता है या नहीं होता। अगर मुझे 20-20 रुपये के पास अगर ऑर्डर मिलते हैं तो भाई मैं जोमैटो में 2 बजे के बाद आकर सीधा पोर्टर में काम करने वाला हूँ, क्योंकि जोमैटो यार 20-20 रुपये के ऑर्डर करवाता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है बंदा। मतलब पास ही पास के करवा के 20-20 रुपये के ऑर्डर देता है। और अगर ऐसा कुछ होता है, 2 बजे तक मैंने गिग्स बुक कर रखी है बाहर से, तो अगर ठीक ठाक अर्निंग होने लगती है तब हम 4 बजे तक काम करेंगे। और 4 बजे तक अगर काम करके ठीक ठाक अर्निंग हो जाती है, उसके बाद टाइम मिलता है तो फिर हम पोर्टर भी कर लेंगे। नहीं तो वैसे तो आज देखनी है कि जोमैटो कैसे काम देता है आज। तो पोर्टर की जो वीडियो है वो आ चुके हैं चैनल में, आप जाकर देख सकते हो। चैनल में जो नया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, ताकि और भी आपको कंटेंट ऐसे मिलता रहे। तो मिलता हूँ थोड़ी देर में आपको अपनी लोकेशन में पहले ऑर्डर के साथ। तो भाई फाइनली अपना पहला पास ऑर्डर आ चुका है, तो उसको करते हैं पिकअप। पिकअप कहाँ से करना है ये तो मेरे को सामने लग रहा है भाई, इधर ही तो है ये कहीं। ले भाई रोड के उस पार है, तो वहाँ से मेरे को लाना पड़ेगा। तो बाइक लेके क्या ही जाऊँ, वैसे ही लेकर आ जाता हूँ, पैदल जाता हूँ, फटाफट से लेकर आता हूँ पार्सल सामने से जाके। बस फाइनली अपने कर लिया है इसको पिकअप, और सामने ही मेरी बाइक भी खड़ी है। तो यहीं से काट के चलते हैं और उसको करते हैं डिलीवर। उसको लेके मुझे जाना है वैसे तो विष्णु गार्डन, तो चलते हैं फटाफट से अपनी बाइक में और वहाँ से बाइक उठा के फिर चलते हैं विष्णु गार्डन। उसको करते हैं ड्रॉप। ये तो भाई सोसाइटी में ना ये बड़ा रोना धोने वाला काम है, 10 जगह से दरवाजे बंद कर रखे होते हैं इन्होंने। अब पता नहीं कितनी, मतलब 1 मिनट के रास्ते को मैंने 2 मिनट बनाना पड़ा मेरे को इस दिन दरवाजे के चक्कर में। सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं, यहाँ से भी वहाँ से भी, और मिलने कितने उतने ही। और पोर्टर में अगर ये होता ना, मैं अगर बोल देता कि हाँ इस पे इतना लगेगा तो भाई मिलता मेरे को फिर अलग से चार्ज मिलता उसका। अब पोस्ट तो बाकी देखता हूँ कहाँ है। तो पहला जो ऑर्डर है वो हो चुका है डिलीवर। मतलब अब देखो ये दरवाज़ा खुला है ना, तो मुझे यहीं से जाना पड़ेगा। और देखते हैं फिर, अभी भी पता 39 रुपये का ऑर्डर दिखा रहा था, साले ने 1 रुपये काट लिया मेरा। ऊपर से मैं घूम के आया हूँ इतना, वो अलग मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। बेटा मैं तेरे को 2 बजे तक ही देखूंगा, कर ले बेटा कितना करेगा। 2 बजे के बाद फिर मैं पोर्टर करूंगा, क्योंकि तो तुम्हें को इतना देगा ही नहीं। तो चलते हैं भाई, देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर कहाँ से और कब तक आता है अपने पास। तो भाई फिलहाल देख लो, मतलब 1 घंटे वेट करने के बाद मेरे को ऑर्डर मिला, वो भी 26 रुपये का ऑर्डर। तो इस टाइम जो भाई हो रहा है ना ये बर्गर किंग, पीछे जाना मेरे को, तो उसको मैं क्या ही बताऊं। मतलब एक तो मतलब पहला ऑर्डर दिया 39 रुपये का, उसमें से बंदे ने 1 रुपये काट लिए, जबकि मैं घूम के गया, जाना पड़ा मेरे को सोसाइटी में, गेट बंद थे। इसके बाद मेरे को 25 रुपये का ऑर्डर मिला, वो मैंने डिनाइल कर दिया। मैंने सोचा अब ठीक मिलेगा, वापस बंदे ने वही हगा, इतना बुरा हगा, 1 रुपये बढ़ा के 26 रुपये का ऑर्डर दे दिया मेरे को। तो इसी को बस पिक करने जा रहा हूँ, और इसको पिक करने के बाद मैं सोच रहा हूँ भाई जोमैटो ऑफ करता हूँ और पोर्टर ऑन करता हूँ और उसमें काम करता हूँ। भाई ये तो एक घंटे में एक ऑर्डर दिया इसने, मतलब तीसरा ऑर्डर दिया, वो भी 26 रुपये का ऑर्डर। क्या ही होगा जोमैटो तेरा। तो गाड़ी खड़ी करते हैं और या चलते हैं ऑर्डर पिक करते हैं, और देखते हैं कहाँ पर इसको करना है। इसको डिलीवर करने के बाद फिर देखते हैं यार क्या करना है, घर जाना होगा तो घर जाएंगे, पोर्टर करेंगे या फिर जो भी करेंगे देखते हैं। पहले ये ला ऑर्डर लेकर आता हूँ फटाफट से जाते मैं। ऑर्डर तो हमने कर लिया भाई पिकअप, और वो भाई ये और पता कितनी बेकार जगह लेकर जाना है मुझे, ये सब क्या बताऊँ, बस यही दारापुर के अंदर लेकर जाना है इसको, जो कि मुझे लगने वाला है काफ़ी टाइम। देखता हूँ इसमें कितना टाइम लगता है मुझे। तो करते हैं इसको डिलीवर और देखते हैं अगर कोई ऑर्डर मिलता है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये ऑर्डर भी हो चुका है पिकअप। तो भाई फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ना कि भाई वसई के अंदर लोकेशन परफेक्ट आई है भाई, क्या बताऊं। तो देख लो
26 रुपये का मात्र ऑर्डर मिला है, 1/18, 1/19 हो ही गए हैं, तो देखते भाई 2 बजे तक कितना काम करवाता है, पता चले 20-25 का फिर से ऑर्डर दे देगा, तब तो भाई हो गया काम हमारा। अगर कोई ठीक ठाक ऑर्डर मिल जाएगा ठीक है, 2 बजे तक तो देखना ही है भाई, नहीं तो फिर तो ऑर्डर भैया जिंदाबाद, वही करेंगे फिर और क्या करेंगे। निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं अपना कब तक आता है नेक्स्ट ऑर्डर शोर्डर। भाई अपने पास एक और आ चुका है ऑर्डर, इसमें देख रहे हो कोई फोटो नहीं है भाई, जाना कहाँ है कुछ पता नहीं है, मैप से ही जाना पड़ेगा, और मैप कहाँ से लेकर जाएगा मुझे, 1 मिनट का रास्ता, ये तो इधर ही हूँ मैं तो, इसी बिल्डिंग में तो नहीं है। ये क्या बात हुई भाई, मेरे को लगता है यही होगा, इसके बाहर ही खड़ा हूँ, यहीं पता नहीं मिल गया मुझे। भाई अपना ये ऑर्डर जो हो चुका है वो पिकअप हो चुका है, और गाड़ी में यहीं खड़ी करके चला गया था, पास में ही था तो वहीं चला गया मैं, तो इसको जो है कि लेके मुझे जाना है हरी नगर, और कस्टमर का कोई नाम नहीं है, फ़ोन नंबर डाल रखा उसने अपना, तो चलते हैं उसको ड्रॉप करते हैं, मेरे हिसाब से 2 तो बज ही जाएंगे, ड्रॉप करते करते उसके बाद निकल पड़ेंगे अपने घर की तरफ, फिर निकलेंगे अपना दूसरा काम करने के लिए, तो चलते हैं और इसको करते हैं फटाफट से ड्रॉप, और फिर देखते हैं कि क्या ही अर्निंग है अपनी 2 घंटे में, क्योंकि ऑर्डर ही कुछ ऐसे दे रहा था ये, तो कहाँ इतनी अर्निंग दे देगा, बहुत ही कम अर्निंग हुई होगी 2 घंटे में, क्योंकि 25-25 रुपये का तो ऑर्डर दे रहा था, तो कद्दू भी अर्निंग होगी। तो बस अब निकल पड़े हैं, इसको करते हैं डिलीवर, और फिर देखते हैं अपने को क्या करना है आगे, क्या नहीं करना है। तो ये भी हो गया अपना डिलीवर, OTP की जरूरत पड़ी नहीं इसमें, 10 मिनट पड़े हैं अपने पास, 10 मिनट देखता हूँ को तो ले भाई, लगाना तो देता अपना ढाबे से उठाना है वो मायापुरी कि कोई नहीं चलेंगे चलेंगे ये अच्छा है, तो चलते हैं भाई अपने ढाबे से पिक करते हैं ऑर्डर और चलते हैं इसको ड्रॉप करने। तो भाई इसको भी हमने पिकअप कर लिया है पार्सल, इसको नराना लेके जाना है ये रहा अपना, तो चलते हैं इसको लेके नराना में करते हैं इसको ड्रॉप। और मैंने भाई अपना डिसीजन चेंज कर लिया, पहले मैं 2 बजे तक करने वाला था और अब मैं करूँगा 4 बजे तक काम, आज ही बदल लिया साला। तो आज खाली जोमेटो ही करते हैं यार, क्या करें, लेट से ऑर्डर दे रहा है पर ठीक ठाक दे रहा है अब, तो निकलते हैं और चलते हैं उसको भी करते हैं डिलीवर नारायणा में चल के। अब पोर्टल हम सोच रहे हैं कल करें, आज देखते हैं यार कि कितनी अर्निंग करवा देता है यार, काम मतलब दे तो रहा है ठीक ठीक। इसके बाद आज हम जोमेटो कर लेते हैं, अभी मैंने 4 बजे तक की बुक कर ली है, कर लीजिए क्या होता है कर लिए। मैं क्या मुस्लिम हूँ तो बोलो कर लीजिए, कर लिए मतलब कि। तो देखते हैं भाई 4 बजे तक मैं कितनी अर्निंग करवा देता है, अगर ठीक ठाक करवा देता है फिर हम 4 से 6 भी कर लेंगे, तो धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में काम करेंगे इंस्टॉलमेंट में। तो चलते हैं इसको डिलीवर करते हैं नारायणा से, फिर देखते हैं अगर कोई पास का वाला ऑर्डर मिल जाता है तो अच्छी बात है। एक तो मैं बड़ा कंफ्यूज बहुत हो रहा हूँ, ऑर्डर जब आता है पार्सल बोलता हूँ, जब पार्सल आता है तो मैं ऑर्डर बोलता हूँ। दो काम करने में ना ये बड़ा कन्फ्यूजन है कि बंदा कर क्या रहा है बोल क्या रहा है, तो इस कन्फ्यूजन को भाई दूर कोई भी नहीं कर सकता, ये हमेशा रहेगी रहेगी। जो बंदा एक काम करता है ना उसको वही बोलने के पड़ता है तो इसलिए वो बोल लेता है, अब एक बंदा 2 काम करे 3 काम करे वो बंदा कन्फ्यूज हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा मैं कन्फ्यूज हो जा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलते हैं और करते हैं इसको ड्रॉप, और वहीं से नारायण से मेरे को उम्मीद है तो सही कि मिल जाएगा ऑर्डर, बाकी देखते हैं। ये ऑर्डर भी हो गया डिलीवर और
कैश कलेक्ट। तो देखते भाई अपना एक और नेक्स्ट ऑर्डर कब तक आता है। नारायणा में चलते हैं धीरे धीरे, शायद आ ही जाए। यहीं कहीं बैठ जाओ क्या? मैं भी नारायणा के अंदर बैठूंगा जाके, कब मिलेगा मेरे को ऑर्डर। तो जैसे कि मैंने बोला था कि भाई नारायणा के अंदर आते ही पार्सल मुझे मिलना ही मिलना है। भाई यार मैं कंफ्यूज हो गया, फिर से पार्सल बोल रहा हूँ यार, सॉरी यार सॉरी, गलती हो गई। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ओहो काशी राम छोले कुलचे वाला, मेरे हिसाब से पीछे घूम के तो जाना है मेरे को। ये तो सही कह दिया भाई तुम लोगों ने। तो चलते हैं, यहाँ से जाना है, यहाँ से है या कहीं और से है? एक तो मेरे को समझ में नहीं आता कि भाई है किधर है छोले कुलचे वाला, या इधर से है या कहीं से तो है। यार दया कुछ तो गड़बड़ है, यहीं कहीं है ये। तो चलते भाई काशी छोले कुलचे वाले के पास और इस ऑर्डर को करते हैं पिकअप, और फिर देखते हैं कि कहाँ पे इसको करना है ड्रॉप। अपना ऑर्डर जो है वो पिकअप हो चुका है, वो ये रहा, और इसको लेके हमें जाना है। कहाँ जाना है? मोती नगर जाना है, करमपुरा एरिया में। तो चलते हैं अब हम ही भाई इस ऑर्डर को करते हैं डिलीवर। अब ठीक ठाक काम देने लग गया है वैसे, मतलब मेरे हिसाब से 2 बजे के बाद से, 2 बजे से पहले तो बहुत ही बुरा हग रहा था, इतना बुरा हग रहा था कि साफ करने वाला कोई नहीं थी, कोई नहीं था। तो फिर मैंने जोमेटो को धमकी दी पोर्टर करूंगा जैसे मैंने बोला ना पोर्टर करूंगा अब तो मैं भी। उसके बाद से भाई ऑर्डर ठीक ठाक आने लग गए। तो अब अगर मैं फिर से मेरे को ऐसे ऑर्डर देगा ना, फिर मैं उसको बोलूँगा कि भाई ज़्यादा पोर्टर कर लें, दूसरी कंपनी का नाम लो ना, तो मज़ा आता भाई। तब पता नहीं क्या हो जाता है, ठीक ठाक काम आने लग जाता है। हमें कितना टाइम लगेगा यहाँ से? 13 मिनट लगेंगे। तो चलते हैं भाई, इसको भी करते हैं डिलीवर। और सही जगह जा रहा हूँ ऐसे तो, आगे से पेट्रोल पंप में जाएंगे, पेट्रोल डलवाएंगे ताकि कल भी काम आए ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये वाला भी ऑर्डर होगा डिलीवर। लोग पता है आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है ना कि लोग जो ऑर्डर मंगा रहे हैं ना, उसके बाद फ़ोन ही नहीं पिक कर रहे, फ़ोन ही बिजी जा रहा है भाई। नेक्स्ट कर तो दिया, अब देखते हैं यहाँ से मिल जाए तो। बल्ले बल्ले है ये तो, आगे सब दल्ले दल्ले हैं। यहाँ से घूम के मुझे जाना पड़ेगा वापस, यहाँ तो मुझे मिलेगा नहीं। तो भाई अपने पास एक और तो ऑर्डर आ चुका है, बट मुझे इस टाइम इतना गुस्सा आ रहा है ना कि बस क्या ही बताऊँ। वहाँ से मैं आ गया पार, अब यहाँ पे ट्रैफिक में जाकर फंसूँ उसके लिए। ट्रैफिक नहीं है वैसे देखा जाए तो कैप्टन साहब पिज्जा इससे लेंगे भाई, लेंगे पैसे अच्छे मिलने चाहिए, बाकी और कुछ भी चाहिए मेरे को। तो इसको लेके चलते हैं, लेके नहीं लेने चलते हैं। मैं रॉन्ग साइड जाऊँ क्या? रॉन्ग साइड में मेरे को तो लगता नहीं जा पाऊंगा मैं। हर जाओ जी, यहीं से मेरे को पास भी लग रहा पड़ जाएगा अगर मैं रॉन्ग साइड से जाऊँ, पर जाने लायक तो है नहीं वैसे, पर मैं फिर भी जा रहा हूँ। यहाँ पे अगर ट्रैफिक पुलिस हो ना, मैं उनसे पहले ही पकड़ ले मेरे को। मैं इसलिए जा रहा हूँ ना क्योंकि एक बंदा उड़ गया अभी, इसलिए। और यहाँ पे मैं गाड़ी खड़ी कर सकता नहीं। हाँ भाई थोड़ा इधर भी देख ले, ये सारा उधर ही देखेगा। तो चलते हैं भाई पिक करते हैं ऑर्डर, क्योंकि मस्त मोला वाला ऑर्डर है तो उसको पिक करना तो बनता है ना ब्रो। तो ये पिज्जा भी कर लिया हमने पिकअप, वो ये रहा, और उसको लेके हमें जाना सुपरपोर्क में, और वहाँ पे ये लिखा हुआ है लोकेशन पे आकर कॉल करना, मतलब एच ब्लॉग में। तो चलते हैं भाई वहाँ पे लोकेशन पे जाकर कॉल करेंगे इनको। तो फिलहाल चलते हैं, इसको करते हैं डिलीवर। ले भाई उसके अब आस पास पता है क्या है? मुस्लिम कब्रिस्तान है भाई साहब। शमशान घाट में तो ना मंगा लिया कहीं मेरे से, दिन दिहाड़े पता चले शमशान घाट के अंदर बुला रहा हूँ मेरे को। मैं तो बिल्कुल भी ना जाऊँगा भाई। ऑर्डर भाई रखाऊंगा, बोलूँगा भाई उठा लेना भाई अपने अभी। तो चलते भाई अब इसको देखते हैं कहाँ लेके कहाँ जाना है इसको।
तो ये वाला ऑर्डर भी हो चुका है अपना, ड्राइवर और मुस्लिम का भी स्थान ये रहा सामने, और निकल रहा कुछ ना कुछ तो जलूस निकल रहा आगे, तो देख रहा पैसे फिर तक आ रहे 64 रुपए दिखा के 59 रुपए दिए भाई। सब के सब चोर हैं साले, ये किस चीज का भाई, पैसे तो बहुत काट रहा है जोमेटो, ऐसे बंदा कमाएगा क्या खाएगा क्या बे, मतलब काम अच्छा दे रहा है तो ये पैसे क्यों काट रहा भाई, ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अब यार क्या बंदे हैं यार, मुझे लगा अच्छा पैसा मिलता तभी तो मैं लेके आया हूँ ऑर्डर, नहीं तो मेरा कद्दू लेके आता वहाँ से। 64 रुपये पहले 1 रुपये काटे और अब काटे फिर से, अब मेरे पास स्क्रीन शॉट है नहीं, नहीं तो मैं तो करता इनको, 64 रुपये का है ही नहीं, 59 रुपये पड़े मेरे पास, अभी देखता हूँ कहीं मैं टिकट रेस करके देखता हूँ, अगर कुछ हो जाता है तो लक बाई चांस अगर हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो देखते हैं फिर क्या कर सकते हैं। तो फाइनली भाई अपने पास और आ चुका है ऑर्डर, और इस टाइम मैं हूँ मतलब पता नहीं कहाँ हूँ मैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बाद में बताऊंगा मैं कहाँ हूँ। मैकडी से पिक करना है पैसिफिक मॉल से, जो कि है आगे, करेंगे करेंगे मॉल के अंदर, शायद मैं यहाँ पे गया था एक बार, बाकी देखते हैं मैकडी अंदर जाके ही होगा, ये मॉल के अंदर लग तो कुछ ऐसी रहा है मुझे भी। लाल बत्ती पार करनी पड़ेगी क्या, मेरे को लग तो रहा है लाल बत्ती पार करनी पड़ सकती है, जो सामने मॉल है उसके अंदर जाकर मिलेगा ये मुझे, जो भी है पैसिफिक मॉल, हाँ वो रहा सामने लिखा हुआ, बजाना साले मेरे को पैसा चढ़ जाएगा, और माई जा रहा है वो रहा मेरा पैसिफिक मॉल, और एक यहाँ पर है और एक है अपना सुभाष नगर में, तो देखते हैं और करते हैं इसको पिकअप, पिकअप कहाँ से करेंगे, यहाँ से चलता हूँ हाँ, क्योंकि तो यहाँ कहीं से पिक करना पड़ेगा, वहाँ से एंट्री नहीं है ना ब्रो, इसलिए यहाँ से एंट्री करनी पड़ेगी अपने को, यहीं कहीं लगाएंगे गेट में गाड़ी वाड़ी और फिर लेकर आते हैं इसको, पिकअप करते हैं, ऑर्डर शोर्डर यहीं लगा देता हूँ। तो ऑर्डर भाई कर लिया है पिकअप, वो ये रहा, और इसको लेके हमें जाना है श्रीनगर, तो चलते हैं और इसको करते हैं डिलीवर। ये ऑर्डर हो चुका है भाई अपना डिलीवर, और एक बच्चे ने लाके में मुझे दिया 20 रुपये की टिप दिया मेरे को, तो देखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ फटाफट से, अब और क्या ही कर सकते हैं। इस बार एक्से मिल गया, बहुत बढ़िया। तो भाई आ गया अपना डीलर बिल्डिंग के पास, ऑर्डर शोल्डर कहाँ से उठाना है कहाँ देना है, सब्बे सब्बे बोले तो किधर है ये कीर्तिनगर, 2 किलोमीटर जाना ड्रॉप मोला पिकअप करने, तो भाई सब कीर्तिनगर ले भाई, बड़ा बंदा सीन हो गया अपना तो ये, घर जाते जाते ऑर्डर मिल गया, पर चलो ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं घर की साइड ही जा रहा हूँ, तो पार करते हैं मतलब मोतीनगर कीर्तिनगर क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को, तो इधर ही हमें पिक करने जाके ऑर्डर शोर्डर को, और फिर जाएंगे हम इसको डिलीवर करेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे अपने घर। तो ये भी हो चुका है पिकअप, और इसको भाई नारायणा लेकर जाना है, जबकि मैं पहले ही देख चुका था, नारायणा चलते हैं और इसको करते हैं ड्रॉप, लास्ट अपना ऑर्डर है और फिर बाद में बात करेंगे, तो देखते हैं कहाँ से नगाने निकलते हैं। तो अपना भाई लास्ट का ऑर्डर भी हो चुका है डिलीवर, और बाद में करेंगे इसको, तो देखो सुपर बाइक खड़ी है अंदर, इस शोरूम के अंदर गया था मैं, एक से एक बाइक खड़ी भाई इसके अंदर सुपर बाइक में, तो अब चलते हैं अपने घर, और कुछ नहीं कर सकते बाकी घर जाके बातचीत करेंगे, क्या अर्निंग रही है क्या ऑर्डर रहा है ये सब काम झेला, फिलहाल अभी घर निकलते हैं, अगर किसी और सुपर बाइक चाहिए ना, यहाँ जो भाई एक से बढ़कर एक है बाइक यहाँ पर,
एक बजे अंदर बोल रहे हैं भैया ब्लॉग बना रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे बाइक का। अरे इतनी बड़ी बड़ी बाइक है, इतने यूट्यूबर आते हैं अंदर, मैं कैसे बनाऊंगा वहाँ पर। एक बाइक को ना ढक ढक देता है, मतलब रेड कलर में देखा होगा आप लोगों ने कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो यूट्यूबर होते हैं, बाइक लेने जाते हैं, सुपर बाइक लेने जाते हैं, लाल रंग का कपड़ा होता है उस पर जब खींचते हैं ना तो दो लोग वहाँ पे बम फोड़ते हैं, तो वो सब सिस्टम बना रखे हैं अंदर। तो मेरे हिसाब से कोई लेने आने वाला होगा बाइक को, तो उनको छोड़ो यार, वो थोड़े बड़े हैं, अमीर अमीर हैं सारे, हमारे बस की नहीं है। हमारे लिए सुपर बाइक तो यही है, हमारी प्लेटिना, मेरी डार्लिंग, ये मेरे लिए सुपर बाइक से कम नहीं है भाई। बाकी घर करके बात करते हैं अब। तो मैं आ चुका हूँ फ़ोन के स्क्रीन में, अब खोलते हैं अपना जोमैटो ऐप और दिखाता हूँ कि भाई आज क्या ही अर्निंग हुई है कितने घंटे में। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे करता हूँ, 4 घंटे में 8 ट्रिप करी जिसकी अर्निंग होती है 373। तो ऑर्डर की बात करूँ तो मैं अगर अपना ऑर्डर दिखाता हूँ आप लोगों को, कहाँ से दिखाते हैं वैसे भूल गया मैं। अच्छा ये रहा, तो पहला जो मेरा 39 रुपये का आया था ऑर्डर, उसमें से मेरा 1 रुपये कट कर लिया इन्होंने, तो मुझे 38 रुपये मिले। फिर मिला था 25 रुपये का ऑर्डर, तो मैंने डिनाइल कर दिया था। उसके बाद मुझे 26 रुपये का मिला, तो मुझे करना ही पड़ा, क्या करता। फिर मुझे 42 रुपये का मिला, फिर 49 का, फिर 64 का, और फिर 62, तो मतलब 69 रुपये का। जबकि ये था 62 रुपये का या 63 रुपये का ऑर्डर था, इसमें भी मेरे 2-3 रुपये कट कर लिए जोमेटो ने। तो उसके बाद 41 रुपये की ऑर्डर मिला, उसके बाद 50 रुपये का। जो 41 वाला ऑर्डर था उसमें मुझे 20 रुपये टिप दी थी, तो ये मुझे पड़ गया 61 रुपये का ऑर्डर टिप मिलाकर। और लास्ट का जो था वो 50 रुपये का ऑर्डर था। तो ये हुई थी मेरी आज अर्निंग, जो भी अर्निंग थी वो मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक के लिए थी, जो भी था मैंने आपको दिखा दिया और बता भी दिया कि कितने के मिले अर्निंग हुई, अर्निंग वर्निंग जितनी थी सब कुछ बता दिया है, ऑर्डर भी मैंने दिखा दिया क्या क्या हुई है, तो जो भी था वो मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया है और बता भी दिया है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।